Hello all, I hope you all are doing great and staying safe and healthy at your homes. आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फाइल्स. फाइल्स क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी. इसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल होती क्या है. जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं और उस किसी नाम से उसको हम सेव करते हैं तो वो फाइल कहलाता है. फाइल इज अ कंप्यूटर वर्क स्टोर्ड विद अ नेम ऑन अ डिस्क. फाइल्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू शुड गिव अ मीनिंगफुल नेम टू इट व्हाइल क्रिएटिंग सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई देम इजीली. जब भी फाइल आप बनाए तो उसको कोई मीनिंगफुल नाम जरूर दें ताकि उसको ढूंढने में आपको आसानी रहे. हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं, सेव और डिलीट कर सकते हैं कभी भी. सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फाइल. फाइल्स आर क्रिएटेड थ्रू सॉफ्टवेयर इन विच वी वर्क. हम जिस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं उसके थ्रू फाइल्स को क्रिएट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये वर्ड का प्रोग्राम ओपन किया है. इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया है. अब मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं सेव करूँ तो कैसे करूंगी. सबसे पहले हम जाएंगे फाइल, उसके बाद हम जाएंगे सेव एज. आपको जहां भी सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सेव एट डेस्कटॉप, तो कोई भी आप नाम दे देंगे, न्यू नेम. यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फाइल नेम, आप इसको जो नाम देना चाहें. फॉर एग्जाम्पल मैंने माई फाइल के नाम से इसको सेव कर दिया. सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने वर्ड के अंदर ओपन किया है. सेव, ये हमारी माई फाइल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बन गई है और जो डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गई है. तो देखिए हम अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को व्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है. माय फाइल, इस पर हम वन टाइम राइट क्लिक करेंगे माउस के हेल्प से. ओपन, ओपन विद वर्ड. जो फाइल हमने क्रिएट की थी वो हमें विजिबल हो जाएगी. अब ऐसे ही अगर हम चाहते हैं इसको दूसरा नाम देना चाहते हैं, हमने कुछ गलती से कुछ और नाम दे दिया या स्पेलिंग मिस्टेक हमने कर दी, तो हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन रीनेम. वन टाइम रीनेम पे क्लिक करेंगे वो माय फाइल या हमने जो भी लिखा है वो सेलेक्ट हो जाएगा. बैकस्पेस की वन टाइम हमारी फाइल पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. अब हम चाहते हैं कि हमने जो फाइल बनाई है उसको डिलीट करना चाहते हैं. अगर हम डिलीट वन टाइम वापस हम माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यस, यू वांट टू मूव इट टू द रिसाइकल बिन. यस, देखिए हमने जो आदित्य के नाम से फाइल बनाई थी वो डिलीट हो गई है. ऐसे ही हम और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पेंट ओपन किया, ये मैंने एक सिंपल से ड्राइंग बना के रखी हुई है, हम चाहते हैं इसको सेव करना. अभी देखिए अनटाइटल के नाम से ये ऑलरेडी सेव्ड है. अब हम इसको सेव करेंगे. सेव एज, डेस्कटॉप, फाइंड नेम. क्रिएशन के नाम से मैंने सेव कर दिया. अब देखिए इसका नाम अनटाइटल से चेंज होके माय क्रिएशन हो गया है. हमने क्लोज किया. अब हम इसको व्यू करेंगे. ये देखिए
ये जो मेरी फाइल है ये डेस्कटॉप पे विजिबल हो रही है, आपको सबको दिख रही है। माउस की हेल्प से वन टाइम राइट क्लिक करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, रीनेम करना है, वन टाइम क्लिक तो सिलेक्ट हो जाएगा। नाम आपने चेंज किया, कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो नाम चेंज किया था माइंड नाम से मैंने सेव किया था, तो ये फाइल सेव हो गई है। वन टाइम राइट क्लिक करेंगे, ओपन और ओपन द पेज, नंबर देख मेरी वही फाइल आपको दिख रही है, व्यू हो रही है, इसे क्लोज कर देंगे। फिर से उसी पे जाएंगे अपनी फाइल पे, वन टाइम राइट क्लिक, अगर हम चाहते हैं कि इसको डिलीट करें, आपके काम की नहीं रही है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, वन टाइम हमने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स आएगा डिलीट का, वांट टू डिलीट, यस, इट विल मूव टू द रिसाइकल बिन। दैट्स हाउ वी क्रिएट फाइल, रीनेम इट, डिलीट इट और सेव इट। That's all for today. In our next video, I will talk about folders. So, keep watching my videos. Thanks.